हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। संडे का दिन है और आज मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक क्विक हाउस टूर का ब्लॉग शेयर करूं। आपको मैं अपना घर दिखाऊं कि मैंने अपने घर को कैसे सजा रखा है, एकदम सिंपल एंड सॉर्टेड। कुछ भी फैंसी नहीं है, कुछ भी मतलब लाइक करना एक्स्ट्रा नहीं है, जस्ट बेसिक घर की जो बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें होती हैं वो है, बट फिर भी सब कुछ है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं है लेकिन फिर भी घर पूरा भरा हुआ है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो आइए देखते हैं मेरा घर। हमारे घर का एंट्रेंस है, यहाँ पर दरवाजे पर तोरण लगी है, शुभ लाभ जो मैंने हाथों से बनाए हैं और एक बेल। दरवाजा खोलते ही नेम प्लेट लगी हुई है दीपक रिचा फैमिली और ये एंटर करते ही कुछ ऐसा लुक है लिविंग रूम का। लिविंग रूम में एंटर करते ही ये एल शेप की सोफा है, रेक्टेंगुलर सेंटर टेबल और दो कम्फर्ट रखी है और सोफा के हेड पर मैंने बच्चों के सॉफ्टवेयर सजा के रखे हैं, कभी ज़्यादा कभी कम ये इस तरह से रहती है। सोफे के हेड पर सेवन हॉर्सेस की रनिंग हॉर्सेस की पेंटिंग लगी है और एंगल पर एक वुडन गणेशा लगे हैं जो एक ही लकड़ी के टुकड़े से पूरी बनी है। ये मेरे फादर इन लॉ की फेवरेट थी, मेरे सिस्टर इन लॉ ने गिफ्ट की थी। तो ये कुछ इसके साथ बहुत सारी मेमोरीज हैं। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ एक वुडन फ्रेम लगा हुआ है, ये मैं आपको लाइट जलाकर इसको दिखाती हूँ। ये ना अब लाइट जल गई, अब आप देख सकती हूँ। ये मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था और इसे मैंने सोपीसेस से डेकोर किया है। सेंटर टेबल पे मैंने DIY करके कैंडल्स बनाई थी, वो है एक रेड कलर का टेबल रनर और प्लांट्स है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ फ़ोटोज़ लगी हैं, आर्टिफिशियल प्लांट है और मास्क का डब बॉक्स है और साथ में टीवी यूनिट है। टीवी यूनिट के ऊपर लाफिंग बुद्धा के सेट लगे हैं, 40 इंच की LED है और सोपीसेस वगैरह सजी हैं। नीचे अलमीरा बनी हुई है, ड्रॉर्स एंड अलमीरा, जिसमें जो भी रेगुलर में जो चीज़ें चाहिए होती है वो उन्हें हम रखते हैं ताकि वो हैंडी रहे। साथ में कोविड आने के बाद स्कूल घर से हो गई तो रवि की ऑफिस टेबल भी यहाँ आ गई। यहाँ पर बेबो की बुक्स, लैपटॉप ये रखा है। यहाँ पर एक फ्रेम है जो आपको पता है मैंने अपने हाथों से बनाया और साथ में प्रिंटर। लिविंग रूम में एक बालकनी है जिसमें प्लांट्स हमने सजा कर रखे हैं। मुझे और रवि दोनों को प्लांट्स का बहुत शौक है और यहाँ से हमारे सोसाइटी का गार्डन और बाहर का व्यू दिखाई देता है। अंदर हम आते हैं तो हमारा छोटा सा मंदिर है, इस पर मीनाकारी का काम किया हुआ है। अगेन ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने मम्मी पापा को एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइनिंग वॉल पर हेक्सागन शेप के गोल्डन कलर के मिरर लगे हैं जो इस वॉल को बहुत ही खूबसूरत कलर दे रहे हैं। यहाँ पर भी लाइट्स लगी हैं। साथ में यहाँ पर 6 सीटर डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल यहाँ पर एकदम खाली रहती है, ज्यादा कुछ नहीं है। किचन होल्डर और जो अभी मास्क होल्डर भी बन चुका है। और ये है हमारा किचन, ओपन किचन है। और फ्रिज पर यहाँ पर बेबो के स्कूल के क्राफ्ट है, जो कुछ खूबसूरत से क्राफ्ट होते हैं वो मैं लगाती रहती हूँ, पुराने हटाती रहती हूँ। साथ में है एक व्हाइट बोर्ड, ये हमें रिटर्न गिफ्ट में मिला था। और इधर लगी हुई है फ्रिज पर कुछ फोटोज, मेमोरेबल पिक्चर्स जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं बस। और दिस इज माई फ्रिज। और फ्रिज से जब हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पर ये हमारा मॉड्यूलर किचन है जो हमने खुद से बनवाया था अपनी नीड के अकॉर्डिंग। और किचन का टूर मैं आपको आपके साथ किसी और दिन शेयर करूंगी। बस ये ऐसे बेसिक सा हमारा किचन है। और किचन के साथ इस जो पैनल बना हुआ था, मेरा फेवरेट पैनल, ये कुछ ऐसा दिखता है जो ये इधर आके कंप्लीट होता है। यहाँ पर मैंने दो आर्टिफिशियल प्लांट लगाए हैं, साथ में डियर लगाया और उस वॉल को भी मैंने ही पेंट किया है। ये वो वॉल है जिसे मैंने पेंटिंग वॉल पेंटिंग स्टार्ट की थी, ये थी। इसके बाद ये किड्स कॉर्नर मैंने बनाया और उसके बाद मेरे अंदर पेंट करने का जो शुरू हुआ वो नॉन स्टॉपेबल था, मतलब स्टॉप हुआ ही नहीं। ये उसके बाद मैंने पूरे घर को ही
पेंट कर दिया। और ठीक इसके ऊपर लगी भी है मेरे दादू सा, दादी सा, पापा और दीदी के पिक्चर। यहाँ पर लगे हुए हैं कठपुतली, ये हमें शादी पर जो फंक्शन वगैरह होते हैं उसमें मिले थे। और साथ में ये दिवाली हैंगिंग है जो पिछले साल मैंने जब लगाई तो मैंने लगी हुई छोड़ दी, क्योंकि पिछले 4 साल से मैंने यूज़ कर रही थी। नाउ अब मेरे को ये हुआ कि नहीं, अब मुझे कुछ डिफरेंट लगाना है, तो इसको रहने दो, इसको यूज़ होने दो, एंड देन चेंज करेंगे दिवाली पर ही। तो ये कुछ ऐसा लुक है। यहाँ पर एक कॉमन बाथरूम है, इस कॉमन बाथरूम में हम वॉशिंग मशीन रखते हैं, नहाने के यूज नहीं आता, ये यूजुअली यूज आता है वॉशिंग के लिए ही। और ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, एंड दिस इज अ मिरर। कॉमन बाथरूम के जस्ट बगल में और किचन और कॉमन बाथरूम के बीच में है गेस्ट बेडरूम, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये गेस्ट बेडरूम कम किड्स रूम है, किड्स प्ले रूम है। यहाँ पर सारे बच्चों के एक रग लगाकर सारे टॉयज यहाँ पर अरेंज कर दिए मैंने, ताकि बच्चे खेलें यहीं पर, खेलें यहीं पर, जो करना है करें, पूरे घर को मैसी ना बनाएं। यहीं पर आते हैं, इन्हें ठीक करते हैं, वापस इन्हें यहीं छोड़ देते हैं। अगेन यहाँ पर एक बैल्कनी है, यहाँ पर मैं कपड़े सुखाती हूँ, और सिलेंडर वगैरह या मोपिंग और डस्टिंग का जो भी सामान है, बच्चों के स्कूटर, जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो इस बैल्कनी में रहता है। इस रूम में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये एक वार्डरोब है, बेड है, ये एक पुरानी गोदरेज है जो बहुत पुरानी है और बहुत मजबूत है, तो ये यहीं पर है। साथ में एक वेट मशीन, साइड टेबल, और ये एक हमने वुडन अलमीरा बनाई थी कि कोई भी एक्स्ट्रा सामान हो रखने के लिए स्पेस चाहिए ही होता है, घर में ऐसा हो ही नहीं सकता, आप कितना भी स्टोरेज बना लो कमी पड़ता है, तो हमने ये एक एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए बनवाया था। ये है, और इसके ऊपर रखा है ये सिंथेसाइजर। ये सिंथेसाइजर मेरा है, पापा मेरे लिए लेके आए थे, पापा को बहुत पसंद था, पापा को बहुत शौक था कि मैं सीखूं। अभी सिंथेसाइजर का एक नॉब लूज हो गया है, तो वो हम अभी रिपेयर कराएंगे। और वहाँ पर वो जो दो बॉटल्स है, ये मैंने बनाई थी, इन्हें मैंने डेकोर किया था। आपने अगर मेरे पिछले ब्लॉग्स देखे हैं दिवाली के आसपास के, तो आपको मालूम होगा ये मैंने कैसे किया। और ये देखिए ये कौन आया, ये भागी। तो बस ये हमारा गेस्ट बेडरूम है, और इसका लुक कुछ ऐसा है। इस रूम का भी पेंट हमने ही किया था अपने हाथों से, तो ये हमारे बहुत क्लोज है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दो रूम एक साथ में हैं। दिस इज मम्मी रूम, मम्मी का बेडरूम है ये, और ये हमारा बेडरूम है। हमारा कह लो, बच्चों का कह लो, हम दोनों का कह लो, जो भी कह लो, ये हमारा बेडरूम है। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी का बेडरूम। ये मम्मी का बेडरूम है, मम्मी के बेडरूम में यहाँ पर बेड लगा हुआ है एंट्रेंस एंटर करते ही। और यहाँ पर मैंने एक वर्ली आर्ट की पेंटिंग बनाई थी न्यूज़पेपर पे, वो लगी हुई है। और वॉल पर पूरा वर्ली आर्ट का जो वो बैंड बाजा वाला जो वो होता है, वो मैंने बनाया, सीनरी पूरी। एंड पूरे बेडरूम को हमने ऑरेंज और आइवरी कलर का पेंट किया, और लकीली मुझे मैचिंग करती हुई वॉल क्लॉक भी मिल गई, तो वो लगी हुई है। और यहाँ पर लगी हुई है फोटोज, वो बेबो की मम्मी की फ़ोटो है, साथ में उसमें अहाना की भी फ़ोटो है मम्मी के साथ, और यहाँ पर मम्मी के बच्चों की, मम्मी के सारी बेटियों और जवाइयों की फ़ोटो है, सेंटर में मम्मी पापा की फ़ोटो है। यहाँ नीचे दो फोटो और थी, वो उनका फ्रेम हवा की वजह से टूट गया, तो वो रिपेयर होने के लिए गया है, जब वापस आएगा तब लगेगा। और ये मैंने चिक चैक पैटर्न किया, हमने पेंट किया था। और यहाँ पर है वार्डरोब्स, वार्डरोब्स में हमने ऊपर लगवाई थी इस तरह से लाइट्स, अगर रूम में कोई है और रात का टाइम है, सो रहा है, तो डिस्टर्ब ना करना चाहें, तो वार्डरोब की लाइट चलाओ और काम कर लो, कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो ये ओवरऑल व्यू है मम्मी के बेडरूम का। सामने बैल्कनी है, इसमें एक क्लोथ स्टैंड रखा हुआ है और ग्रीन कर्टन लगा हुआ है, क्योंकि इस रूम में बहुत ज़्यादा रोशनी आती है तो मम्मी को प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए बस यहाँ पर एक ग्रीन कर्टन लगा हुआ है।
अब वक्त है फाइनल रूम मेरा बेडरूम दिखाने का कि मेरा और बच्चों का बेडरूम कैसा है। यहाँ पर ये एक डोर हैंगिंग लगा हुआ है। ये मेरी जब बेबो बॉर्न हुई थी तो उसकी नेमिंग सेरेमनी पर जब मेरी सिस्टर आई थी तो वो उसके लिए लेके आई थी। उसके ननिहाल साइड से सब उसे ख्याति के नाम से बोलते हैं क्योंकि मेरा फर्स्ट नेम जो मैं चाहती थी उसका रखना ख्याति रखना चाहती थी तो उसी के नाम पर उसने मेरी सिस्टर ने उसके लिए बनवाया था। ये फेल्ट शीट से बना हुआ है। ये मैं बहुत बार बनाकर जब मुझे किसी बच्चे को गिफ्ट देना होता है तो मैं देती हूँ क्योंकि ये बहुत क्यूट लगता है और लाइक इससे अच्छा गिफ्ट नहीं हो सकता मुझे ऐसा लगता है छोटे बच्चों के लिए क्योंकि उनको अच्छा लगता है। बर्ड्स हैं, हाउस है, स्टार्स है, कलरफुल वाइब्रेंट ऐसा है। तो बस यहाँ पर ये डोर हैंगिंग है। अब हम हमारे रूम के अंदर जाते हैं तो रूम के अंदर जाते ही यहाँ पर है मेरा ड्रेसिंग टेबल। ड्रेसिंग टेबल पर ज़्यादा कुछ नहीं है, ऊपर मेरी और रवि की एंगेजमेंट पिक्चर लगी हुई है और हाय ग्लास के सामने लगी हुई है ये यूनिकॉर्न पेंटिंग जो मैंने बनाई थी। और ये है, ये एक पिक्चर है जो मेरी शादी की जस्ट बाद एक शादी हुई थी उस पर हमारी आफ्टर मैरिज फर्स्ट पिक्चर, एक परफेक्ट पिक्चर जो कहते हैं। और यहाँ पर है वार्डरोब्स। इन वार्डरोब से भी मम्मी के रूम के जैसे पैनल लाइट लगी हुई है ताकि अलमीरा खोलो और आपको अंदर देखना हो तो आप देख सकते हो। और बस इसके बाद यहाँ पर अगेन बालकनी है। बालकनी का दिखाती हूँ लोग, मेरी बालकनी एकदम खाली है, सिर्फ यहाँ पर एक स्टूल रखा है और वहाँ पर जो लोग मुझे जानते हैं मुझे हमेशा फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मेरे घर में पहले पेट्स थे रैबिट से तो वो रैबिट केज है। और यहाँ से पूरा हमारा लुक है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। बालकनी के जस्ट बगल में यहाँ पर एक पॉट है, ये पॉट मैंने पेंट किया है शादी से पहले, इसका मैं आपको लुक दिखाती हूँ। इसमें एक लेडी है गांव की जो बैठी है और साथ में पेड़ बना है, हाउस बना है जिसमें मैंने खूबसूरत से फ्लावर ला के लगाए हुए हैं, ये मुझे बहुत पसंद है। और ये स्टूल मैंने जब घर का फर्नीचर बनवाया था उसी टाइम पे बनवाया था। और अब मैं दिखाती हूँ मेरे घर पे सारे लोग अभी क्या कर रहे हैं। ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, पापा के साथ मस्ती। ये देखो जैसे कैमरा देखा एक्टिव हो गया, पापा की हो रही है पिटाई जमकर यहाँ पर। और ये है मेरे रूम का लुक। यहाँ पर मैंने मेरी सारी हैप्पी मेमोरीज को लगाया हुआ है फ्रेम करके ताकि मुझे मैं जब भी इन फ्रेम्स को देखूँ, इन पिक्चर्स को देखूँ, मुझे वो हैप्पी डेज याद आए और मैं खुश हूँ और मैं भगवान को थैंक यू बोलूँ कि मेरी लाइफ में कितना कुछ अच्छा है। खैर अब बेड की साइड टेबल पे जाते हैं तो मेरे पतिदेव की तरफ से दिया गया मेरा पहला गिफ्ट दैट फ्लावर पॉट, वो इसलिए मैं अपने बेड साइड पर रखती हूँ। ये बेड का कॉर्नर मेरा है, वो कॉर्नर रवि का है, तो ये मेरे बेड के साइड पर रहता है। नाइट लैम्प है उनसे मैच होता हुआ। अब मेरे बच्चे हैं, मेरे जान है, मेरी दुनिया है, तो उनकी एक छोटी सी क्यूट सी फोटो लगी हुई है यहाँ पर। ये आना की फर्स्ट होली की पिक्चर है और ये फ्रेम उसको बेबो जब हुई थी तो बेबो की मासी उसके लिए दुबई से लेके आई थी। और ये आई लव यू का फ्रेम मैंने शादी से पहले रवि को गिफ्ट किया था। लगा लिया तो ये बस ओवरऑल मेरे बेडरूम का लुक है। यहाँ पर है हमारा वॉशरूम। मैंने वॉशरूम में बहुत कुछ नहीं लगा रखा, रीजन वाइज घर में बच्चे हैं तो बच्चे फिर मैस्ड अप कर देते हैं तो बस सिंपल एंड सॉर्टेड है। यहाँ पे हमने कर्टन लगा रखा है ताकि शावर साइड का पानी इस साइड ना आए। यहाँ पे हमने स्लैब्स लगा रखी है जिसमें सारी चीजें अरेंज कर रखी है। दैट्स इट, मेरा घर, छोटी सी दुनिया जिसे मैंने और रवि ने पूरी तरह से अपने हाथों से सजाया है। जब ये घर लिया था तब इस घर में जो जो चीज़ें लगी, जो जो फर्नीचर बना वो हम दोनों ने डिसाइड किया। आफ्टर दैट लॉकडाउन जब लास्ट ईयर हुआ तो पूरे घर का पेंट, पूरे घर को डेकोर करना हम दोनों ने बड़े प्यार प्यार से एक एक चीज़ को सोच सोच के कि यहाँ पर ये करते हैं वो करते हैं इस तरह से करके लगाया। तो जब आप इतना सोच
कर इतना मतलब प्यार से कुछ चीज़ करती हो तो वो आपके लिए होती ही है। तो बस ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा घर। आई होप आपको मेरे घर का टूर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।